थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका के अकाउंट डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी विकास चौहान की। विकास चौहान अगर उसके लिए कहे कि मूर्ति लान कीर्ति महान तो ये बात गलत नहीं होगी। जब इनका हम लोग वीडियो निकाल रहे थे तो किस तरह विकास चौहान, हम जब उनको छूट कर रहे थे किस प्रकार हमें वह आंखों से देख रहा था, आप दोबारा एक बार देख सकते हैं किस तरह वह हमें देख रहा था कि हम उसकी वीडियो शूटिंग निकाल रहे हैं। जैसे चोर के तारी में तिनका, ये वही व्यक्ति है जब से अच्युत हांगे जब उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त थे और उन्होंने जिस प्रकार से महानगर पालिका में भ्रष्टाचार किया तो उसका पूरा अगर हम शेयर और साथी कहेंगे तो विकास चौहान है। विकास चौहान आज के तारीख में हम अगर उनकी बात कहें तो कोरोना काल के जो तरफ से राज्य सरकार के तरफ से जो 7 करोड़ आए हैं उनकी ये पूरी तरह से लेवल करने में जुट चुके हैं। कोरोना काल में राज्य सरकार के तरफ से महानगर पालिका को 7 करोड़ की एक सहायता राशि आई है। वह पैसा कहां खर्च होता है अब तक किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कोरोना काल में महानगर पालिका का काम ठप पड़ा है। सारे अधिकारी और कर्मचारी कोरोना के इलाज के पीछे लगे हुए हैं, मगर ये अधिकारी पीछे किस तरह लोगों के आड़े टेढ़े बिल पास करते आ रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के नए आयुक्त डॉक्टर दयानिधि, वह उल्लासनगर शहर में कोरोना माहौल को, कोरोना के लोगों को ठीक करने के, उपचार करने के पीछे अपने कामों में जुट चुके हैं, मगर यह अधिकारी जो अकाउंट डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी है ये अपने टाइम से अपने चैम्बर में जाते हैं, यानी कि शनिवार रविवार के दिन अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, बाकी दिनों में ये ज़्यादातर घूम रहते हैं और घूम फिर कर ये अपने काम अपने तरह से सिद्ध करते जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने महानगर पालिका से ये जानकारी मांगी है कि ये कोरोना काल में कितना खर्चा हुआ, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और कितने लोग एक्टिव है, डिस्चार्ज कितने हुए, उनके ऊपर रखरखाव पर हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ, ये सारे बिल जो अकाउंट डिपार्टमेंट से निकलते आ रहे हैं इसकी कोई जानकारी ना ही प्रेस को दी गई है ना ही किसी व्यक्ति को दी गई है। तो हम लोगों से निवेदन करेंगे और एंटी करप्शन ब्यूरो को, काफ़ी लोगों ने विकास चौहान की कंप्लेंट की है और शहर के लोगों को हम निवेदन करेंगे कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी महानगर पालिका के अधिकारियों से मांगे ताकि ये भ्रष्टाचार अधिकारी अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी।